व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है साहिल मलिक और एक और फ्रेश व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आज डेट है आज 27 नवंबर, दो दिन बाद है भाई का बर्थडे। तो हम जा रहे हैं जीरा पंजाब, और इस बार हम लेके जा रहे हैं ऑडी, क्योंकि वरना मैंने सेल कर दिया है। अगले व्लॉग में बताऊँगा पूरी डिटेल में। तो अमीशा यशविक दोनों रेडी हैं, साथ में इनके जा रहे भैया, तो मैंने डीजल एक बार फुल करा लें। इस ट्रिप पे मैं पूरा बताऊंगा कि कितना खर्चा हुआ। अभी डीजल डल रहा है, अभी तो कुछ नहीं, 1000 का ही डला है, तो टैंक फुल होने देते हैं। तो अपना प्लान कुछ ऐसा है कि यार कहीं जाने का सीन बन नहीं पा रहा था, तो मैंने लगा यार जीरा ही चलते हैं पंजाब, सबसे मिल भी लेंगे। और अमीशा की सिस्टर जो ताने, जिसके आपने पीछे ब्लॉग्स देखे होंगे, तो ताने और सना मम्मी पापा बन चुके हैं, तो हम अपनी क्यूट सी बेबी से मिलने जा रहे हैं मोगा, क्योंकि ताने रहती मोगा में। तो हम जाएंगे मोगा और स्टे करेंगे जीरा में, फिर वहाँ से एक दिन के लिए आगे जाएंगे बर्थडे के लिए कहीं पर घूम फिर के, वापसी 30 तारीख तक या 1 दिसंबर तक मैक्सिमम। तो यार बहुत देर होगी वैसे ही निकलने में, टैंक फुल कराते हैं और मिलते हैं सीधा हाईवे पे एक बार। तो भाई मैंने बोला कि एक बार डीजल का बता दो, तो डीजल आ गया अपना 5800 का, और देखते हैं कितना चलता है 67 लीटर। भैया बिल दे देना एक। टैंक हो गया फुल और गाड़ी दिखा रही है 900 किलोमीटर चलेगी, 900 तो चलने नहीं लिए, तो फेक है दिखा रही है ऐसे। और अपना लगा दिए यहाँ पर भी एक गोप्रो, बाकी जो वीडियो आएगी रोड की वो आएगी इससे गोप्रो से। और मैप भी चला दिए, मैप पे दिखा रहा है 7 घंटे 10 मिनट रास्ता। इस बार हम नया वाला लेंगे, वैसे तो हमेशा हम GT कनाल रोड से जाते हैं, बट इस बार हम जाएंगे जींद होते हुए, तो वो थोड़ा कम दिखा रहा है। देखते हैं वो हाईवे कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। तो भाई अभी तक तो सिर्फ पीरागढ़ ही पहुंचे हैं और आधा घंटा हो गया, और ट्रैफिक देख लो, मतलब इतना ट्रैफिक है आगे भी और पीछे भी इतना था ना, मेरे को तो लग रहा है 8-9 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। बाकी हाईवे के ऊपर है, हाईवे जितना बढ़िया होगा उतना ही मजा आएगा। तो हमें भाई अभी डाइवर्जन मिल गई है टिकरी बॉर्डर से, मुझे लग रहा था इस तरफ से शायद फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं होगा, बट यहाँ से भी है, तो हमें फिर से डाइवर्ट कर दिया, पता नहीं किस तरफ। मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट तो अभी भी हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, मतलब सब उन्होंने मान लिया, बट जब तक वो कोर्ट से सब डिसीजन नहीं होके इनके हाथ में नहीं आ जाते तब तक नहीं जगह छोड़ेंगे। अच्छा। अभी सिर्फ मोदी ने बोला है। अच्छा। तो भाई अब हम फॉलो कर रहे हैं इन गाड़ियों को जो जा रही है सारी, देखते हैं कहाँ निकलते हैं। एक बार जगह देख लो और गली देख लो कितनी छोटी सी है, और कैसे निकलती है गाड़ियाँ। मुझे लगा था यार सीकरी बॉर्डर भी दिक्कत होगी, बट टीकरी बॉर्डर भी सेम हालत है अभी भी फार्मर्स प्रोटेस्ट की। तो जो भी आए टाइम से निकले, अपनी बीवी की वजह से लेट ना हो। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 2 बज चुके हैं, 2:13 हो रहे हैं, और 12 बजे निकले थे, पूरा 1 घंटा लग गया हमें फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है उसे क्रॉस करने में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। और आगे पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। तो गाइज ये कुछ अंदर की तरफ हमें मोड़ दिए जींद की तरफ, और ये यहाँ पर ऐसे गाँव हैं, और फुल साथ में ट्रेन की पटरी, और यही हाईवे, देखते कब जाके नॉर्मल होता आगे। 4.5 घंटे दिखा रहा है, और हमने अभी तक 40 मिनट बीट कर दिया है अपना गूगल मैप्स को। और यशुबा सो गए थे, अभी यशुबा उठ चुका है, पर इसे अभी भी और नींद आ रही है। कितना सोना है, सोते ही रहने पूरे हाईवे पे, उठ जाओ नज़ारे देखो, नज़ारे तो कुछ नहीं, खेत ही खेत है, लेफ्ट में खेत राइट में खेत, ये हाईवे थोड़ा अलग है। और इस पर खाने पीने के लिए भी कम चीज़ें हैं, खाने पीने में भी बहुत कम ऑप्शन है, तो ये सब इंतज़ाम करना पड़ता है। अभी रुक के केले लिए, एक आधा केला खाया, थोड़ा सही लग रहा है। अभी ना जब 200 किलोमीटर रह जाएंगे तब कहीं रुक के कुछ खाएंगे। तो भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था, रुके थे मतलब कि थोड़ा फ्रेश हो जाते, और यशविक उठ गया तो उसे भूख लग रही है, तो यहाँ रुके थे रॉयल पिज्ज़ा पे, बट यहाँ पर तो फ्रेंच फ्राइज़ ही नहीं, और यशविक खाता है सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़। चलते हैं कहीं आगे को, देखते हैं उस बेचारे के लिए खाने को। भाई यहाँ पर तो फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है यशविक, नो फ्रेंच फ्राइज़। वो देख यशविक मंकी, पापा ने बोला था ना मंकी भी दिख गया, तो वो मंकी भी दिख गया यशविक आपको। अच्छा मंकी, वो देखो इसे बनाना दे दो, एक बनाना दे दो, खुश हो जाएगा मंकी, देख खा के मंकी दे दो, मंकी मत दे दो, सॉरी मंकी वो बनाना दे दो, यशु बनाना दो इसके हाथ से दे, यशु मैं ही दे देती। ओ मंकी
भाई फ्रेंच फ्राइज ढूंढने निकले थे, पर फ्रेंच फ्राइज तो इस रोड पे ही नहीं, फ्रेंच फ्राइज क्या कुछ खाने को ही नहीं है। और अब अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है और हमारी जो जर्नी बची है वो बची है अभी, अभी बची है 1 घंटा 45 मिनट दिखा रहा है जीरा और 112 किलोमीटर। और ये यशिक को देखो फिर से, पापी मेरे को ये दे दो गोप्रो, पापी 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 नहीं मिलेगा गोप्रो पापी। तो भाई थोड़ी बोरिंग हाईवे है, मतलब जीटी का नाल रोड पे फिर थोड़ा खाने पीने को केएफसी ये सब मिल जाता है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यार अभी बोल ही रहा था कि कुछ खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, और एकदम से अपने को सबसे मतलब अभी तक का इस पूरे हाईवे पे यही सबसे बेस्ट जगह दिखी मेरे को, ये है अपना रजवाड़ा रेस्टोरेंट, और वॉशरूम वगैरह भी क्लीन है यहाँ पर बढ़िया। और ना अब तो गाड़ी ने भी कह दिया था, 6 घंटे से गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में लिखा है रेस्ट रिकमेंडेशन। यशविक क्या कहते हो, आपने रेस्ट कर लिया सही से? रेस्ट करा हुआ है ना, नहीं करा हुआ तो गाड़ी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा 6 घंटे से नॉन स्टॉप। तो एक चाय की चुस्की मारते हैं और फिर निकलेंगे सीधा जीरा को, और फिर वहीं रुकेंगे यार, अब तो बीच में कुछ है नहीं वैसे भी। हाँ जी दीदिया क्या चाहिए, क्या चाबी? अच्छा लो आपका डाइपर। तो यशविक के फ्रेंच फ्राइज फाइनली मिल चुके हैं हमें, और यशविक कर रहा है अभी कपड़े चेंज। सॉरी तो कपड़े चेंज कर रहे हैं, कपड़े चेंज करते हुए नहीं दिखाते ऐसे, पॉकेट खानी पॉकेट पॉकेट दिखाओ ताकि। तो भाई अपना आ गया सैंडविच और चाय, और यशविक के आ गए हैं फ्रेंच फ्राइज, तो ये खाते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट। फाइनली हम मोगा पहुंच चुके हैं, पर हमने जाना तो वैसे जीरा है, पर और जीरा यहाँ से रहता है 30 मिनट्स का रास्ता। तो अभी जो हमारे साले साहब हैं हमें वो मिल रहे हैं, फिर वो गाइड करेंगे जीरा के रास्ते पे, कोई नए रास्ते से लेके जा रहे हैं देखते हैं। और यशुभा फिर से सो चुका है, यशुभा का अपना सीन सेट है, और गाड़ी ने मतलब 900 थी सुबह, अभी 500 है, मतलब वही सही एवरेज दिया यार, 13-14 12.5 इतनी एवरेज दिया। बाकी चलते एक बार सबसे मिल लेते हैं। तो भाई ये आ गए अपने साले साहब हमें लेने के लिए, आगे वाले स्विफ्ट में साले साहब हैं, तो अब हम बस पहुंचने वाले हैं जीरा, और 10 मिनट में 5-7 मिनट में जीरा पहुंच जाएंगे। जीरा पहुंच गए हैं, जीरा तो पहुंच गए, मतलब घर पहुंच जाएंगे, और फिर जाके ना मुंह हाथ धोएंगे, भाई सर में बहुत दर्द हो रही है, थोड़ी दर्द सही करेंगे और मजे करेंगे फिर पार्टी वार्टी सीन विद वेज स्नैक्स। तो जी जनकपुरी का हरिनगर, ओ दिल्ली का हरिनगर देखा होगा, ये है यहाँ का हरिनगर घंटाघर, कितना सही लग रहा है अपने ट्राई कलर के अंदर। ओ भाई चक्कर में तेरा भाई ना रह जाओ, हो रहा। चलो जी यहाँ से मुझे भी पता है, लास्ट ईयर मैं भी आया था, मुझे भी पूरा रास्ता याद है, यहाँ से सीधा फिर एकदम गोल चक्कर आ गया, उससे और सीधा राइट में घर आ गया। कमिंग नमस्ते चाचा, कैसे हो? लाइट नहीं आ रही इधर, लाइट जलाएंगे चाचा। हेलो वेलकम बीजू, कैसे हो? बढ़िया। ओ पक्का चलाता हूं मैंने, नहीं चलाया आपने चलाया? मैंने नहीं चलाया। हां चल अंदर आ जाओ फिर दिख जाएगा। हां जी नमस्ते, मैं बदगिया ते मैं यशपीक के पास आया हूं के मेरे पास आया यशपीक आपके नमस्ते नमस्ते। सही से बनाते ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते तुम्हारी अपना लाइट का जगाला यार। ओ लाइट ऑफ है तो कोई नहीं चाचा, चलेगा चलेगा हमारे व्लॉग में सब डलेगा एकदम ओपन से। हेलो हेलो यशपा, ओ तो वीडियो बन रही। हां जी तो 10-15 मिनट रेस्ट कर लेते फिर कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो नानू वो रिकॉर्ड कर रहे हैं यशविक। थैंक यू अब अपने आप को भी करो यशविक, ऐसे ऐसे करो यशपा, ऐसे करो अपने आप को। हां जी हां जी क्या कर रहा हूं यशविक। ओके ओके चलो पापा मेरे को देखते रहते ना, ऐसे करके करते रहते सेम। इधर आ मेरे पास। हां जी वाह
वाओ वाओ। तो भाई पार्टी हो गई तगड़ी और सुबह से वैसे ही बहुत बड़ा व्लॉग बन चुका है, तो इसको ना यहीं पर एंड करते हैं। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कुछ नहीं करना यार, दो चीजें करनी छोटी छोटी, बस ये कर दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।